हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने बंजारा मार्केट से कुछ डेकोरेटिव आइटम लिए थे। अभी रीसेंट मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी बंजारा मार्केट की, तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया था। तो जो मैंने ये फर्स्ट जो वहाँ से बाय किया था बंजारा मार्केट से, पहला है हमारा ये स्टैंड। स्टैंड बेसिकली ये डेकोरेटिव आइटम्स के लिए है, जैसे आप कुछ भी इस पर रख सकते हो, कोई भी डेकोरेटिव पीस, कोई भी मेटल का या कुछ और भी जो आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि हम स्टैंड के ऊपर रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से, पहले ये ब्लैंक है बट हमें इसके लिए मार्बल उसने अलग से दिए थे शॉपकीपर ने, तो अभी हम भी जो मार्बल हैं वो हम अलग से खुद से लगाएंगे। तो इसको थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं पहले। तो इस तरह के स्टैंड वहाँ पे और भी थे, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टैंड थे, तो आप इसको कैसे भी रख सकते हो, लाइक टीवी के नीचे रख सकते हो या फिर सेपरेटली अलग से भी रख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैंने लाइक यू नो टेम्परेरी मैंने यहीं रख दिया है टीवी के नीचे ही, और अब हम इसमें लगाएंगे जो हमने मार्बल वहाँ से लिए हैं, अब हम इसमें मार्बल सेट कर देंगे थोड़ा। तो मार्बल क्या है ना, क्योंकि ऑफकोर्स हैवी हैं, तो ये लगने के बाद ये स्टैंड भी हमारा काफ़ी हैवी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे भी गिरा देंगे। जैसे मेरे घर में भी बच्चा है छोटा, तो उस हिसाब से मुझे भी देखना होता है, तो ऐसा कोई मतलब ये हल्का नहीं है कि कोई इसको गिरा देगा। अब ये मार्बल रखने के बाद ये हैवी हो चुका है, तो अब आप इस पर किसी भी तरह का डेकोरेटिव आइटम इस पर आप रख सकते हो, कोई भी यू नो अच्छे अच्छे फ्लावर वास आप रख सकते हो, या फिर आप कोई डेकोरेटिव पीस रखना चाहें वो आप रख सकते हो। सेकंड है हमारा ये मेटल का डेकोरेटिव आइटम। तो ये वाला काफ़ी ट्रेंडिंग है, ये जनरली सभी लोगों ने देखा होगा, तो बहुत ट्रेंड में है, मतलब अब आजकल ये बहुत दिखता है हर जगह। तो इसमें भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी वहाँ पे, और ये मैंने ऑनलाइन भी मंगाने का सोचा था, बट अब मैंने जब देखा वहाँ पे जिस प्राइस में मुझे मिला और ऑनलाइन जितना था, मतलब ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ये मुझे काफ़ी सस्ते में मिला है वहाँ पर, इसे मतलब कि हाफ से भी कम रेट पर मुझे मिल गया। तो अब मैं सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, क्योंकि मुझे अच्छा भी मिल गया और देख के जब चीज़ लेते हैं तो और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये डिज़ाइन। तो ये अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस बताऊं तो ये मुझे 800 का पड़ा है। उसके बाद मैंने लिए है ये ट्री। ये ट्री भी आप लोगों ने शायद देखा होगा, ये भी मेटल में है और ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये सब सामान मैं सीरियसली बताऊं तो ये सब मैंने ऑनलाइन देखे हुए थे, और मेरा प्लान था कि मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ, तो अच्छा हुआ कि मैंने जल्दबाजी नहीं की और हम लोग वहाँ चले गए, क्योंकि जितने में मैं एक डेकोरेटिव आइटम ऑनलाइन देख रही थी, आप ये समझ सकते हैं कि उतने में थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा ऐड करके मुझे ये चार आइटम मुझे आराम से वहाँ से मिल गए। तो ये वाला भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये सारे मेरे वॉल हैंगिंग हैं। एक ये मैंने लिया था, ये काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी चौड़ा है, अगर आप एक अपनी वॉल पे अकेले अगर इसको भी लगा देंगे तो आपको कुछ और लगाने की नीड भी नहीं है। तो ये देखिए ये काफ़ी बड़ा, और ये मिरर के साथ है, और ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ये सबसे पहले हमने यही देखा था वहाँ पे, बट हमने सोचा कि और शॉप पहले देख लेते हैं उसके बाद लेंगे, लेकिन हम लास्ट में हमने फिर ये सोचा कि इसको तो लेना ही है, तो ये हमारा फोर्थ है। तो हमारे थोड़े बड़े बड़े आइटम हो गए थे, तो गाड़ी में उतनी जगह भी नहीं थी, तो हमने इसलिए और कुछ छोटा छोटा भी लिया नहीं, हमने भी फ़िलहाल ये चार ही बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आ गए, फिर दोबारा जब कभी राउंड लगेगा तो और कुछ देखेंगे। तो ये चार हैं जो हम लेकर आए हैं बंजारा मार्केट से, और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे। अगर किसी का रेट आप लोगों को जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये है मेरी बंजारा मार्केट की शॉपिंग, और अगली बार जब मैं जाऊँगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मैं इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी चैनल पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।